तो बड़ी खबर आ रही है जांजगीर चांपा से, जहां चांपा वार्ड नंबर 12 में सूने मकान में लगी आग। आग लगने से बड़ा हादसा टला। एक घंटे बाद दमकल की गाड़ी पहुंची। मोहल्ले वालों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से हजारों की नुकसान हुई है। चांपा थाना क्षेत्र का है ये पूरी मामला। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चांपा वार्ड नंबर 12 में सूने मकान में लगी है आग। आग लगने से बड़ा हादसा टला। एक घंटे बाद दमकल की गाड़ी पहुंची। मोहल्ले वासियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग लगने से हजारों की नुकसान हुई है। चांपा थाना क्षेत्र का यह मामला है। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं कृष्ण टंडन। टंडन जी, चांपा वार्ड नंबर 12 में सूने मकान में लगी आग, इसके पूरा मामला क्या है? मैं बताना चाहूंगा कि चांपा नगर पालिका की वार्ड नंबर 12 घटना है लगभग 2:30 बजे की, जो आग लगने से हजारों रुपए की वहां की जो सामान है वो तो जल के राख हो गया। और सर बड़ी बात यह है कि वहां कई लोग नहीं थे। अभी तक दमकल की गाड़ी पहुंची है कि नहीं पहुंची है? सर वहां दमकल की गाड़ी पूरा आग बुझने के बाद पहुंची थी, तो उसका कोई काम नहीं आया। मोहल्ले वासियों ने मिलकर पूरा आग को बुझाए। मोहल्ले वासी ने जब जो धुआं है उसको देखे तो पता लगा कि किसके घर से धुआं निकल रहा है, तो वार्ड नंबर 12 की एक घर से धुआं निकल रहा था। वहां जाके जब लोगों ने देखा तो आग लग गया था, फिर दरवाजा को तोड़ के लोग अंदर गए, आग को बुझाने की कोशिश की, तो बड़ी मशक्कत से सर आग बुझा पाए उन लोग। किस कारण से आग लगी है इसकी कुछ जानकारी? किस कारण से आग लगी उसकी जानकारी थी है तो शॉर्ट सर्किट के वजह से आग लगने की संभावना बताई जा रही है। धन्यवाद टंडन जी तमाम जानकारी के लिए।